हेलो दोस्तों, सो गाइज अगर आप भी महीने का 20,000, 30,000, 50,000 या फिर उससे भी ज़्यादा इनकम जो है वर्क फ्रॉम होम यानी घर बैठे जो है कमाना चाहते हैं तो आप जो है इस वीडियो को पूरा वॉच करिए। आपको इस वीडियो में सारी प्रोसेस बताया गया है। एंड गाइज आपको इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको आपका फ़ोन चाहिए एंड एक बेसिक इंटरनेट कनेक्शन। आपका फ़ोन है और इंटरनेट कनेक्शन है उसमें, यानी आप जो है घर बैठे महीने का 20,000, 30,000 या फिर उससे भी ज़्यादा जो है कमा सकते हैं। सो इसके लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। सो हे गाइज, दिस इज शुभम हियर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, इस वीडियो में हम जिस एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है अपस्टॉक्स। अपस्टॉक्स का नाम आपने सुना होगा बहुत से जगहों पे। यह एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइज, अगर अभी तक आपने अपस्टॉक को इंस्टॉल नहीं करा है देन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक का लिंक मिल जाएगा। कैसे जो है इस पर ट्रेड करना है, कैसे जो है इससे आप अर्निंग कर सकते हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। बट अगर अभी तक आपने इसे इंस्टॉल नहीं किया है देन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज, अपस्टॉक से पैसे कमाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है आप यहाँ पे किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं या फिर उसके शेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं एंड आप उससे जो है अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है दूसरा तरीका है कि आप इसे अपने किसी भी फैमिली या फिर फ्रेंड्स को रेफ़र कर सकते हैं एंड अगर वो आपके रेफ़र के थ्रू जो है अपस्टॉक पे अकाउंट बनाता है देन आपको जो है उसका रेफरल रिवॉर्ड जो है मिल जाएगा। सो गाइज, ये दो तरीके हैं अपस्टॉक से पैसे कमाने का। सो गाइज, ट्रेडिंग का अगर आपको नॉलेज है देन आप ट्रेडिंग में आप 1,000 रुपये लगाकर भी डेली के जो है 3,000-4,000 आराम से कमा सकते हैं। बट हाँ, उसमें रिस्क भी बहुत ही ज़्यादा है तो इसके लिए आपको ट्रेडिंग अच्छे से सीखना होगा और आप यूट्यूब पे या फिर गूगल की मदद से जो है ट्रेडिंग आराम से सीख सकते हैं। इसके अलावा आप कंपनी के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, चलिए हम आपको एक क्विक गाइड देते हैं कि कैसे जो है आप स्टॉक पे अकाउंट बनाना है एंड ट्रेड करना है। सो गाइज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अपस्टॉक का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके अपस्टॉक को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जैसे आप इसे ओपन करेंगे यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, OTP डाल दीजिए एंड उसके बाद जो है आप यहाँ पर 6 डिजिट का कोई पिन चूज़ कर लीजिए, जो भी आप पिन जो रखना चाहते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर अकाउंट सेक्शन में जाइए। अकाउंट सेक्शन में जाने के बाद आपको कंप्लीट योर अकाउंट एप्लीकेशन दिख रहा होगा, इस पर कंटिन्यू करिए। फिर यहाँ लेट्स बिगिन पे क्लिक करिए और उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए। सो गाइज, यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड डालना होगा एंड उसके बाद पैन कार्ड डालने के बाद यहाँ पर आपको जेंडर एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन वगैरह फिल करना होगा एंड उसके बाद जो आपको अपना बैंक डिटेल्स डाल देना है एंड यहाँ पर आपको जो है आपको अपने आधार से जो है ई साइन करना होगा। तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है एंड आधार नंबर डालने के बाद आपको आपका फोटोग्राफ लेने के लिए बोला जाएगा, तो आपको अपना फोटोग्राफ वगैरह ले लेना है एंड उसके बाद जो है आपका अकाउंट जो है बन जाएगा। उसके बाद जो है आप इसे सबमिट कर दीजिए इस एप्लीकेशन को। सो गाइज, इसके बाद जो है आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और उसके बाद थोड़ा देर के बाद अकाउंट आपका जो है वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही अकाउंट वेरीफाई हो जाता है उसके बाद आपको अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना होगा। इसके लिए आपको पहला ट्रेड करना होगा। यहाँ पर आप 100 रुपये का भी ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइज, ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पर आपको अपना फंड ऐड करना होगा। यहाँ पर आप 100 रुपये मिनिमम ऐड कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे या फिर किसी भी UPI के थ्रू अपना फंड ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप नेट बैंकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पर हमने फंड को ऐड कर लिया है। इसके बाद चलते हैं आपको एक ट्रेड करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर किसी भी कंपनी के शेयर्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर ट्रेडिंग दो तरह के होते हैं, एक इंट्राडे या फिर आप एक दिन से ज़्यादा के लिए शेयर्स को खरीदना चाहते हैं देन आपको डिलीवरी में खरीदना होगा। सो गाइज, जितने भी शेयर्स आप खरीदना चाहते हैं उतने शेयर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इंट्राडे या फिर डिलीवरी जिसमें आपको खरीदना है सेलेक्ट कर लीजिए एंड उसके बाद जो है रिव्यू पे क्लिक कर दी एंड स्वाइप टू सबमिट ऑर्डर पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जो है आपका ये शेयर जो है बाई हो जाएगा। सो गाइज, अभी ये शेयर आपको पोजीशंस में दिखेगा, तो अगर आपने इंट्राडे में खरीदा है तो देन आपको आज ही आपको जो है शेयर बेचना होगा। तो यहाँ पर अगर आपको अपना शेयर बेचना है देन आपको उस शेयर पर क्लिक करना होगा एंड उसके बाद एग्जिट पर क्लिक करना होगा एंड जितने भी शेयर्स आप बेचना चाहते हैं उतने शेयर्स को सेलेक्ट कर लीजिए एंड उसके बाद जो है रिव्यू पे क्लिक करिए एंड स्वाइप टू सबमिट ऑर्डर पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जो है आपका शेयर वो सेल हो जाएगा। सो गाइज, ये एक शॉर्ट ट्यूटोरियल था कि कैसे जो है शेयर्स को बाई या फिर सेल किया जाता है इंट्राडे में या फिर डिलीवरी में। सो गाइज, अगर आप अपस्टॉक पे ट्रेडिंग के थ्रू रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं देन मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ट्रेडिंग को अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की और वोलेटाइल मार्केट है। अगर आपको ट्रेडिंग आता है तो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं आता देन आप गूगल या फिर यूट्यूब या फिर अच्छे कोर्सेज का हेल्प लेके उसके बाद ही जो है आप इसमें जो है इन्वेस्टमेंट करिए या फिर इसमें जो है ट्रेडिंग करिए, क्योंकि एक बहुत ही रिस्की और वोलेटाइल मार्केट है। तो पहले इसमें सीखना बहुत ही ज़रूरी है वरना आपका लॉस भी हो सकता है।
सो गाइज होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक आपने अपस्टॉक को इंस्टॉल नहीं किया देन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। एंड गाइज अगर आपका कोई भी डाउट क्वेरी है देन आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। सो सी यू ऑल गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।